हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय क्लास वी वर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर एट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट वाज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया और उसमें हम पढ़ चुके थे कि कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है कैप ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ह्यूमन कैपिटल ऑफ ऑल द स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन अ नेशन जो भी उस कंट्री के स्किल्ड और एक्सपर्ट uh, लोग हैं उन सबकी स्किल्स और एक्सपर्टीज को अगर अपन सम टूटल कर दें तो वो क्या कैपिटल ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल उतनी ही प्रोडक्टिव होती है उससे भी ज़्यादा होती है जितनी एक फिजिकल कैपिटल होती है तो हमारी फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अच्छा इसमें क्या हम ह्यूमन कैपिटल को नाप सकते हैं ये वाली बात मुझे आपसे करनी थी इज इट पॉसिबल टू मेजर ह्यूमन कैपिटल सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर ह्यूमन कैपिटल क्या है ना कि हमने एलेवंथ स्टैंडर्स के अंदर पढ़ा होगा कि कुछ होते हैं हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कुछ होते हैं क्वान्टिटेटिव सो ह्यूमन कैपिटल इज़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल यहाँ पे आप उसको नंबर्स की फॉर्म में जज नहीं कर सकते सो so, जब एक अप्रोप्रिएट स्केल नहीं है आपके पास जिस पे आप इसको मेजर कर सको मतलब जब आपके पास इसको न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन की एबिलिटी नहीं है तो इसको मेजर करना तो बहुत मुश्किल होता ही है हालांकि इससे फर्क पड़ता है क्या हाँ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे जी ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट बहुत तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिन पर फर्क पड़ता है सो वी हैड स्टडीड टिल हेयर कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं टूवर्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नाउ वी हैव टू स्टडी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करता है मतलब क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से हम ये पढ़ने वाले हैं तो मैं जरा अगर आपको बताऊं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों जरूरी है तो देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आप नए नए इनोवेशन लेके आते हैं अगर आप में स्किल है या एक्सपर्ट हो आप तो कुछ इनोवेट इनोवेटिव करोगे इनोवेटिव करोगे तो दैट विल बी न्यू थिंग फॉर द सोसाइटी फॉर द इकोनॉमी दैट में जनरेट बिजनेस फॉर यू दैट मे जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आपके uh, ग्रोथ होती है इकोनॉमी में ग्रोथ होने के लिए दो तरह की चीजें जरूरी है एक तो लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए ग्रोथ का और साथ साथ में आपके पास रियल एसेट्स भी हों ग्रोथ के लिए जिसको हम बोलते हैं मटेरियल वेल्थ भी हो और यहां पे हम उस मटेरियल वेल्थ की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको मटीरियल वेल्थ आपकी क्या है जो आपकी स्किल्स हैं जो आपकी एक्सपर्टीज है इज मटेरियल वेल्थ आप अगर ग्रोथ करना सॉरी अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उससे आपके जो प्रोडक्टिव फिजिकल एसेट्स हैं उनकी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखिए जरा फर्स्ट इज चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल इन्वायरमेंट समझिए इमोशनल इन्वायरमेंट हुआ लोगों का एटीट्यूड लोगों की अप्रोच जैसे आज अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन के प्रति लोगों की अप्रोच ऐसी है कि जितना ज्यादा आप एजुकेटेड होगे या जितना ज्यादा आप स्किल्ड होगे उतना ज्यादा आपको आगे जाके रिटर्न्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ तो जो अपन बात कर रहे हैं इमोशनल चेंज की तो दैट इज चेंज इन एटीट्यूड लोगों के एटीट्यूड में बदलाव वो भी एटीट्यूड किसकी तरफ टुवर्ड्स ग्रोथ कोई इंसान पढ़ा लिखा होता है तो वो ग्रोथ की सोचता है जो इलिटरेट है या जो अच्छे से सही से पढ़ा नहीं है स्किल फॉर्मेशन जिसने नहीं कर पाया है वो सोचता है शॉर्टकट्स अपनाने की तो वो क्राइम की तरफ या अनफेयर मीन्स की तरफ जाता है सो एटीट्यूड ग्रोथ वाला तब होगा जब आप कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे ऐसे ही बोला है मटीरियल इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ इसका क्या मतलब है कि वाकई इतना टैलेंट हो आपके कंट्री में कि आप ग्रोथ कर सको दिस रेफर्स टू द एक्चुअल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज तो भाई बात तो यह है ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्किल और एक्सपर्टीज तो वाकई में बढ़ जाएंगी और वाकई में बढ़ जाएंगे तो ग्रोथ में हेल्प करेंगे बिल्कुल सही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जनरेट्स अ चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ अब इमोशनल का मतलब क्या हुआ एटीट्यूड या अप्रोच इमोशनल एनवायरमेंट बिकम्स

ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेंड वर्कर्स होंगे तो बात है, ग्रोथ होगी ठीक है सर तो पहला तो जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल है वो है इमोशनल और मटीरियल को चेंज करना जिससे ग्रोथ आ सके इज हायर प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल कैपिटल मैंने बताया आपको कि फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है अगर हमारे पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो तो भाई अगर एक मशीन को ऐसा कोई ऑपरेट कर रहा है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है जो उस तरह की मशीन कैसे फंक्शन करती है उसकी लाइफ कैसे लंबी हो सकती है ये सब जानता हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे लेकिन एक ऐसा लेबर जिसको आपने सिर्फ ट्रेनिंग देकर के उस मशीन को ऑपरेट करना सिखा दिया सिर्फ उसको कोर कंसेप्ट नहीं पता कैसे काम करता है तो वो हो सकता है उतना प्रोडक्टिव ना रहे सो बेटर द स्किल बेटर विल द प्रोडक्शन विद विद द यूज ऑफ मशीन आल्सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल ये फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज देता है स्पेशलाइज इंजीनियर्स होगा या स्किल्ड वर्कर्स होंगे कैन सर्टेनली हैंडल मशीन बेटर बाकी अच्छी मशीन हैंडल करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन आएगा इट एनहेंसिस प्रोडक्टिविटी एंड असिलेट द्रोथ ग्रोथ की प्रोसेस भी तेजी से बढ़ जाती है तो सर एक ऐसा वर्कर जो खूब स्किल्ड है वो अच्छा काम करेगा मशीन के साथ भी ऐसा जो स्किल नहीं है वो मशीन के साथ भी गड़बड़ कर देगा राइट सो हायर प्रोडक्टिविटी हो जाती है फिजिकल कैपिटल की विद द यूज ऑफ विद ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नेक्स्ट सही इनोवेटिव स्किल्स आप अगर एजुकेटेड हैं आप में स्किल्स हैं तो आप इनोवेशन करेंगे इनोवेशन करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी नए तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में जो वांट्स को बेटर सेटिस्फाई करेंगे जिसके बदले में ज्यादा इनकम जनरेट होगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा फॉर्मेशन फैसिलिटेट इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के जमाने में इनोवेशन हमेशा से ही रहिए वैसे द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इज द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनोवेशन होगा तो बहुत तेजी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है लार्जर द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन पर्सन ग्रेटर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनोवेशन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इनोवेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ वी ऑल नो इनोवेशन की वजह से ग्रोथ होती है कैसे आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया या आपने कोई नई टेक्नोलॉजी निकाली मान लीजिए आपने एनर्जी प्रोड्यूस करने का कोई नया तरीका निकाला और वो ज़्यादा अच्छा है बाकी सब तरीके जो करेंटली हैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है आपने ऐसा कैसे कर पाया होगा आप में इंटेलेक्ट होगा आपने कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए होंगे उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी मतलब आप एक कैपिटल होंगे ह्यूमन कैपिटल होगा आपके अंदर तभी तो ऐसा करके जब आप एक नया पावर का सोर्स एनर्जी का अल्टरनेटिव निकाल के लेके आओगे दैट विल बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इनकम लेवल्स बढ़ेंगे सो इनोवेशन इज द लाइफलाइन ऑफ ग्रोथ सो बेटर द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटर द इनोवेशन एंड बेटर द ग्रोथ ठीक है सर तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया चौथा और लास्ट पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी क्योंकि ज्यादा लोग

ज्यादा अच्छा काम करता है एक बंदा उतना अच्छा काम नहीं करता क्या दोनों को बराबर रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए नहीं ना तो इक्वालिटी तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो खराब है आज की तारीख में जो कॉन्सेप्ट काम करता है दैट इज इक्विटी इक्विटी मतलब जो जिसके लायक है उसको वैसा दे दो अगर कोई स्किल्ड है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए उसको ज्यादा मिला अगर कोई अनस्किल्ड है तो उसको अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि उसको स्किल्ड जितने पैसे मिले या स्किल्ड जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले राइट सो चीजों में फर्क आ जाता है जैसे आपकी स्किल्स में फर्क आता है तो यही बात बोली है कि अगर हमें वाकई में इक्वालिटी चाहिए तो ऐसे नहीं हो सकती कि गरीब को भी हम पैसा दे दें अमीर को भी पैसा दे दें और फिर इक्वालिटी आ जाए इक्वालिटी तब आएगी जब सब लोग स्किल्ड हो जाए जब सब लोग आ, कुछ ना कुछ एबिलिटीज कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज डेवलप कर लें और ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म बने नेशन का कोई अनस्किल्ड है वो स्किल के बराबर कॉम्पीट नहीं कर पाएगा वो कब कर पाएगा जब वो अनस्किल्ड स्किल्ड बन जाएगा तो दोनों में इक्वालिटी अगर आप चाहते हो तो उसके लिए क्या तरीका है ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मेशन तो से क्या सोसाइटी में इक्वालिटी आती होगी बिल्कुल आती है मतलब, एम्प्लॉयमेंट उसमें पढ़ाया लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होता है कि डिपेंडेंसी कम होती है और आप समझिए कि आप ऐसे हैं जो लेट्स से 16 टू 64 के एज के ग्रुप में अंदर हो तो 15 टू 64 के एज ग्रुप के अंदर वाले जो लोग हैं वो काम कर सकते हैं अगर आप काम नहीं कर रहे तो आप डिपेंडेंट लोगों में आ जाते हो और आप डिपेंडेंट हो जाते हो तो ऐसे लोग जो आपके लिए कमा रहे हैं उन पर बर्डन बढ़ जाता है ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पॉवर्टी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सो ज्यादा पार्टिसिपेशन रेट मतलब पॉवर्टी का चांस कम बाई इन्सिंग प्रोडक्टिव कैपैसिटीज ऑफ लेबर फोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इनक्रीजेज ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा इक्वालिटी सब लोगों को फैसिलिटीज मिल पाएंगी ज्यादा पार्टिसपेशन सब लोग ग्रोथ का ग्रोथ के प्रोसेस का पार्ट बनेंगे और खुद भी ग्रो करेंगे नेशन को भी ग्रो करेंगे दिस इंक्रीज इज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सिंपली द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स मतलब लेबर फोर्स में से कितना परसेंट एम्प्लॉयड है उसी को हम पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा तो सिंपल बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट इज गुड फॉर द इकोनॉमी उससे इक्वालिटी भी आएगी सोशल जस्टिस भी मिलेगा लोगों को हायर द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ग्रेटर द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी तब होगी जब सब लोग काम करने लायक भी होंगे और काम कर भी रहे होंगे सो so, काम करने लायक बनने के लिए क्या चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी एक बात आ गई है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टीम्यूलेट्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भैया ये बात तो सही है आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे आप में स्किल्स आएंगी आप में एबिलिटीज आएंगी अब आप क्या करोगे आप इनोवेशन करोगे इनोवेशन करोगे कुछ नया बिजनेस लेके आओगे नया प्रोडक्ट बनाओगे नई टेक्निक ढूंढोगे कुल मिला ऐसा कुछ करोगे जिससे आपकी इनकम भी बढ़े और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट बढ़े और आपकी इनकम बढ़ेगी या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वापस से किस पे खर्च करेंगे एजुकेशन पे हेल्थ केयर पे और वापस से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा और अगली बार उससे भी बेटर प्रोडक्शन होगा उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ये एक साइकिल की तरह चलता है इसको अपन बोल सकते हैं चेन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखिए जरा सबसे तो पहले क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाता है ह्यूमन कैपिटल मतलब मैं बात करूँ किसकी स्किल्स की और एबिलिटीज की स्किल्स एंड एबिलिटीज बढ़ जाने से क्या होगा बेटर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल ये तो हो गई प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हाँ होगा इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ ज्यादा अच्छे प्रोडक्शन होंगे हाँ अलॉन्ग विद हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे बिल्कुल सही है हायर लेवल ऑफ इनकम जनरेट होगी बिल्कुल सही है सर और ज़्यादा इनकम होने की वजह से वो आप ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे किस पे एजुकेशन पर हेल्थ केयर पर और बाकी सारी चीज़ों पर हायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है हेल्थ केयर एंड इसकी वजह से वापस से इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल मतलब जितना ज़्यादा आप ह्यूमन कैपिटल में आज इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा कल आपको रिटर्न मिलेगा और जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतना ज़्यादा आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स इसलिए अपनी जिंदगी भर की कमाई जो होती है उसका ज्यादातर हिस्सा आपके एजुकेशन पे खर्च कर देते हैं ठीक है इंडियन पेरेंट्स ऑन एन एवरेज स्पेंड अराउंड थर्टी परसेंट ऑफ देयर इनकम ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर दिल्ड्रेन सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स को और अपनी एबिलिटीज को अच्छे से एक्वायर करें जिससे जो इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स आज कर रहे हैं उसका रिटर्न आप फ्यूचर में उनको दे पाओ या सोसाइटी को दे पाओ या खुद को दे पाओ राइट right? ठीक है सर ये बात समझ में आ गई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चेन इफेक्ट भी समझ में आ गया ह्यूमन कैपिटल होता है उससे ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होगा फिजिकल फैक्टर्स का उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगा इनकम बढ़ेगा और इनकम बढ़ने की वजह से वापस आपका खर्चा बढ़ेगा ऑन एजुकेशन हेल्थ केयर मतलब ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा और जी भी, भी बढ़ता जाएगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने की वजह से जी बढ़ता है जी बढ़ने की वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है इस तरह से चेन इफेक्ट चलता रहता है हमें बस इस चेन इफेक्ट को सही से स्टार्ट करने की ज़रूरत है सो दैट वॉज वन थिंग क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इन इकोनॉमिक ग्रोथ चार पॉइंट पढ़े फिर से देख लेते हैं कौन से कौन से चार पॉइंट्स थे फर्स्ट पॉइंट वॉज चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड जिसको हम बोलेंगे इमोशनल इमोशनल चेंज एंड चेंज इन मटीरियल स्टॉक दैट मीन्स स्किल और एबिलिटीज का जो एक्चुअल स्टॉक है hmm. वो भी इंक्रीज हो जाता है तो इमोशनल एंड मटेरियल चेंज हमको देखने को मिलेगा फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इसके अलावा हमें इनोवेशन देखने को मिलेगा इनोवेशन से क्या होगा अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे और उससे प्रोडक्शन और अच्छे से बढ़ जाएगा जी अच्छे से बढ़ जाएगा इनकम लेवल्स राइज हो जाएंगे फिर हमने ये भी देखा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी और इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में जिससे सोशल जस्टिस मिलेगा और लास्ट हमने देखा था, था कि इससे हमें हमारी, हमारी आ, फिजिकल कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल फोर फोर इंपॉर्टेंट रोल्स विच ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सर अगला टॉपिक क्या है अगला है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये अच्छी बात लगती लगी सबकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा तो इतना अच्छा हो जाएगा जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल उतना ज्यादा ग्रोथ जितना ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल लेकिन इंडिया के परस्पेक्टिव में इसमें कुछ प्रॉब्लम है इतनी आसानी से ह्यूमन फॉर्मेशन इंडिया में हो नहीं पा रहा कारण क्या है इसका फर्स्ट रीजन इज राइजिंग पॉपुलेशन देखो भाई पॉपुलेशन अच्छी बात भी है बुरी बात भी है आप समझिए आपके पास रिसोर्सेज हैं बहुत कम और आपकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है मतलब मान के चलो स्कूल कम है कॉलेजेस कम है टीचर्स कम है लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के वो बहुत ज्यादा हैं तो उनको केटर नहीं कर पाएंगे हम तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी एक स्टूडेंट था जिसको टीच नहीं कर पाए ढंग से पढ़ा नहीं पाए उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर नहीं पाए तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई इनफैक्ट इस तरह का ह्यूमन कैपिटल और उल्टा प्रॉब्लम बन जाता है सो राइजिंग पॉपुलेशन इज अ रीजन जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो पा रहा जितने लोगों के लिए हम इक्विप्ड हैं जितने लोगों को ट्रेन करने के लिए स्किल डेवलप करने के लिए एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हम इक्विप्ड हैं उससे ज़्यादा लोग हमारी पॉपुलेशन में एडअप हो जाते हैं ड्यू टू हाई बर्थ रेट हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल दिस इज बिकॉज इट रिड्यूसिस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ मतलब पर हेड जो रिसोर्स हमारे पास होते हैं वो कम हो जाते हैं एक टीचर जहाँ दस बच्चों को पढ़ाता और दसों पर ध्यान दे पाता वहाँ पर आज दस की जगह सौ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और किसी पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा रिलेटिंग टू हाउसिंग सैनिटेशन ड्रेनेज वाटर सिस्टम हॉस्पिटल एजुकेशन पावर सप्लाई तो मैंने ये तो सिर्फ आपको एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया है अब आपके यहाँ पे फैसिलिटीज थी वाटर सप्लाई की दस लोगों के लिए लेकिन पॉपुलेशन में अब सौ लोग हो गए हैं तो वापस वाटर सप्लाई पे भी प्रेशर पड़ेगा अच्छी वाटर सप्लाई नहीं हो पाएगी सेम विद हेल्थ सेम विथ सैनिटेशन सेम विथ हाउसिंग सेम विथ एवरी अदर थिंग तो हम ज्यादा लोगों को कम दे पाएंगे और वो मुश्किल क्रिएट करेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैसिलिटीज लीड टू फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ कमजोर हो जाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कमजोर हो जाता है इन टर्न दिस लीड्स टू फॉल इन द कैपेसिटी टू अक्वायर स्पेशलाइज स्किल एंड नॉलेज एक ऐसा बच्चा जिस कोई ध्यान ही नहीं दे रहा एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है अच्छी हेल्थ केयर नहीं है अच्छी वाटर सप्लाई नहीं है अच्छी पावर सप्लाई नहीं है तो वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा ठीक है तो राइजिंग पॉपुलेशन इज़ वन रीजन जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं सर हम पढ़ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती है इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पढ़ के बच्चे आई में आई में और विदेश भाग जाते हैं दिस इज अ टेंडेंसी जिससे इंडिया को बहुत लॉस हुआ है दिस इज नोन एज ब्रेन ड्रेन नॉट जस्ट इन केस ऑफ Indian people going outside India. It is the same with villages also. Villages से urban areas में migrate कर जाते हैं जब लोग तो villages का development नहीं हो पाता और villages की जो human capital है उसके, उसके अंदर वो count नहीं होते Migration of person, खास करके born, educated and trained in India to developed countries is a serious threat to the process of human capital formation. In fact मैंने आपको बताया कि US हो गया Canada हो गया Australia हो गया यूएस तो थोड़ा कम हो गया लेकिन पहले की बात है ये कंट्रीज़ क्या है इन कंट्रीज़ के पास बहुत रिसोर्सेज हैं लैंड मार्क्स बड़ा सारा है लेकिन पॉपुलेशन कम है तो ये चाहते हैं कि इनकी पॉपुलेशन में एडिशन हो और वो एडिशन हो खास करके किसकी वजह से माइग्रेशन की वजह से जिसमें माइग्रेट भी करके वो लोग आए जो हमारी कंट्री में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए जिनके पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो तो जितनी आपके पास डिग्रीज होती हैं जिस तरह के आपके अचीवमेंट्स होते हैं ना उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आपको इन कंट्रीज़ में परमानेंट रेजिडेंट मिलता है तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरे अगर अच्छी मेरे पास अच्छी डिग्री होगी अच्छे अचीवमेंट्स होंगे तो मेरे को इन कंट्रीज में पीआर मिल जाएगा और हम मैं यहाँ चला जाऊंगा दे गो इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल बट द कंट्री लूजेज इट्स वेरी क्रूशियल ह्यूमन कैपिटल राइट दोज हु डिसाइड टू माइग्रेट आर पर्सन ऑफ हाई कैलिबर यही दिक्कत है हाई कैलिबर चला जाता है सच एस साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स फिजिशंस एजुकेशनलिस्ट वगैरह जो भी काम के लोग हैं जिनको लगता है कि यार मेरे टैलेंट की यहाँ पर यूज नहीं हो पा रही फुलेस्ट या मुझे अच्छी लाइफ लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा तो वो इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं और दैट इज अज लॉस टू इंडिया दिस इज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन क्या बोलते हैं इसको ब्रेन ड्रेन जो दिमाग वाले लोग थे वो बह के चले गए दिस स्लो द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इनफैक्ट इससे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इरोजन हो जाता है फॉर्मेशन ठीक है सर दो रीजन पढ़े हमने पहला तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और दूसरा जो भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं पीपल ट्रेनड एजुकेटेड एंड बॉर्न इन इंडिया गो आउटसाइड इंडिया अगला है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग क्या है कि हमारे मैन पावर के डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बन पाता मतलब हम कई बार इंजीनियर्स निकालते तो इतने सारे इंजीनियर हो जाते हैं कि उनकी डिमांड नहीं होती उससे ज्यादा इंजीनियर्स हो जाते हैं कभी कभी इंजीनियर्स की शॉर्टेज हो जाती है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वेरी वेल कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री की इंडस्ट्री में किस तरह के लोगों की जरूरत है उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम उस तरह के लोगों को बनाए नॉट इनफ एफर्ट्स हैव मेड मेड टू टू मेंटेन डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री तो लेबर फोर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है ये बढ़ता जा रहा है इसकी सप्लाई में एडिशन होता है लेकिन इसकी डिमांड नहीं आ रही तो लोग कई बार ये भी सोचते हैं मैं पढ़ लेके क्या करूंगा मेरे को जॉब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा एज अ रिजल्ट इंडिया इज फेसिंग अ प्रॉब्लम an एक्सप्लोजिव प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट इसका क्या मतलब हुआ इंसान पढ़ा लिखा है डिग्री है स्किल्स भी होंगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी इट इज़ a sad रिफ्लेक्शन ऑफ द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल तो इंडिया के सिनेरियो में क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तुमने कर भी लिया लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा क्यों नहीं हो पा रहा उसका यूटिलाइजेशन? क्योंकि उस ह्यूज प्रॉब्लम so अगली बात हमने देखा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूटर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो वही हमारे इसके प्रॉब्लम में आ गया कि आपके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए कोई फिशियंट uh, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर जो हो गए उनमें आप क्या ट्रेनिंग दोगे ट्रेनिंग देने का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आज भी ज्यादातर लोग यहीं से इंप्लॉयमेंट निकालते हैं अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू अटेंशन इसको कोई ड्यू अटेंशन नहीं मिला इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स टू नोटेबल पॉइंट आर द ट्रेडिशनल विजडम जैसे जो बाप दादाओं ने आ, जो विजडम कलेक्ट कर रखा है एजुकेशन एग्रीकल्चर में वही कम आती है कि भाई इस मौसम में ये वाली फसल लगती है इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में मानसून आता है दिवाली के बाद सर्दियां लग जाती है दैट इज वॉट दैट इज विजम ऑफ फोर फादर्स ट्रेडिशनल विजडम प्रीडोमिनेट्स द प्राइमरी सेक्टर एंड दैट the ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्रामी स्कैंट इफ नॉट लिस्टलेस तो ये जो ट्रेडिशनल विजडम है ना कुछ एरिया में तो चलो काम आता है लेकिन हमेशा ये scientific चीज़ों में बेस नहीं होता तो उस वजह से सिर्फ traditional wisdom की वजह से हम grow नहीं कर पाते हमें और ज़्यादा information चाहिए हमें training चाहिए जो आपके दादाजी ने जो आपके फादर ने आपको एज अ फार्मर सिखाया है सिर्फ आप उतना ही सीखेंगे तो आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना आपको आज की टेक्निक सीखनी पड़ेगी जो आज एडवांस्ड एरा में यूज होती हैं उसके लिए क्या चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स तो वैसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम प्रोग्राम्स हैं बहुत लिमिटेड हैं अकॉर्डिंगली देर इज द सीरियस डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है बहुत कम है डेफिशिएंसी है उसकी कमी है ऐसे लोग फार्मिंग कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता उन्हीं लोगों को थोड़ा ट्रेन करके हम उनका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते थे उनकी स्किल्स में इंक्रीमेंट कर सकते थे और फिर एग्रीकल्चर भी बेटर होता लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा उस पर फोकस ही नहीं गया दैट इज़ अ फेलियर सो अभी तक हमने चार फेलियर देखे देखे चार फेलियर कौन से कौन से थे पहला हमने देखा कि भाई प्रॉब्लम आती है क्योंकि पॉपुलेशन राइज कर रही है दूसरा हमने देखा कि लोग पढ़ते लिखते यहाँ पे हैं और चले जाते हैं बाहर तीसरा हमने देखा कि मैन पावर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है क्योंकि डिमांड और सप्लाई को मीट आउट नहीं कर पाते तो ऐसे लोग जो पढ़ भी गए हैं मतलब ऐसे कैपिटल जो फॉर्म भी हो गया है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते और चौथा हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में खास करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है स्कैंट है हाईली स्कैंट है सो फिफ्थ पॉइंट इज लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के लो अकेडमिक स्टैंडर्ड्स भाई आप जो पढ़ाई करते हो क्या वो जॉब में हेल्प करेगी क्या वो अप टू डेट है अपडेटेड है क्या आपको पढ़ाने वाले टीचर उतने आ, उतने स्किल वाले हैं ये सब चीज़ें आपके अकेडमिक स्टैंडर्ड को शो करती हैं तो इंडिया अकेडमिक स्टैंडर्ड्स में भी बहुत पीछे इन और एंथसियाजम टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मैनी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी अनमाइंडफुल ऑफ देयर अकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी बहुत सारे स्कूल्स हैं लेकिन उनके अकेडमिक स्टैंडर्ड्स नहीं है Consequently, we have a large army of half-baked half-baked graduates. graduate तो half -baked bread की तरह हैं। जो पूरा तरह से सीख नहीं पाया जो ढंग से पूरा तैयार नहीं है जो आधा तैयार है आधा तैयार नहीं है वो graduate ने सब रट्टा मार लिया वो सब सीख गया उसने सब पढ़ लिया लेकिन उसको apply करना कुछ नहीं आता जब वो job पे जाएगा उसको कुछ नहीं आएगा तो ऐसे ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो कैसे हैं हाफ बेग्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जिनके अंदर कमी है तो किसकी स्किल की तो आप समझिए दे आर टू डिफरेंट थिंग्स वन इज एजुकेशन एंड अनदर इ स्किल मान लीजिए आप एक आ, सुनार हो गोल्ड्स में तो आपकी फैमिली ट्रेडिशन है आपकी शॉप वगैरह चलती है वहां जाके आपने सीख लिया तो यू हैव स्किल्स और तुम कमा खाओगे भले ही तुमने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली मेटलर्जी में लेकिन वहीं पे तुम मान लो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी की डिग्री लेकर के आ गए कि मेटल्स ऐसे काम करते हैं ऐसे पिघलते हैं ऐसे फॉर्म होते हैं ऐसे गोल्ड के बारे में भी आपने पढ़ लिया तो क्या आप उससे वो दुकान चला पाओगे जहाँ पे आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने हैं नहीं चला पाओगे बिकॉज दैट रिक्वायर स्किल और स्किल किसी किताब में नहीं होती वो प्रैक्टिस से आती है सो so इसीलिए हमारे पास जो ग्रेजुएट्स हैं आप सोचते हैं कि भाई मैं डिग्री ले लूँगा कॉलेज से को नौकरी मिल जाएगी नो दैट इज नॉट द केस आप डिग्री ले भी लो तो भी आपको स्किल्स चाहिए और वो आएंगी जब तक आप किसी प्रोफेशनल के अंदर ट्रेन ना हो जब तक आप किसी एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट में ट्रेनिंग ना ले लो राइट दिस ऑल्सो एम्पायर आर कॉम्पिटिटिवनेस इन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऐसा भी हो जाता है कि इस वजह से हम लोग की जो इंटरनेशनल मार्केट है मतलब इंडियंस की जो डिमांड है बाहर की दुनिया में वो भी इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि हम लोग एजुकेटेड तो हैं पढ़े लिखे तो हैं लेकिन स्किल्ड नहीं है हमें आता नहीं कि काम कैसे करते हैं सो so, ये पांच प्रॉब्लम है एक बार फिर से मैं पांचों प्रॉब्लम दोहरा देता हूँ भाई पहली प्रॉब्लम थी कि पॉपुलेशन राइज हो रही है इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इंडिया में दूसरी थी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो भी जाता है वो चला जाता है ब्रेन ड्रेन के तौर पर तीसरा हमने देखा कि ढंग की मैन पावर प्लानिंग नहीं है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो भी गया वो यूटिलाइज नहीं हो पाता इसलिए वो यूजलेस हो जाता है नेक्स्ट देखा हमने कि खासकर प्राइमरी सेक्टर में देर इज़ इनसफिशेंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग अवेलेबल ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ हाईली स्कैंड वाई हम लोग वहाँ पर कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाते ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और पाँचवा था कि हमारे अकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी इतने हैं कि बहुत सालों तक मेहनत करने के बाद भी इंडिविजुअल्स को स्किल नहीं मिलती दे आर हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स सो ये सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि मेजरमेंट प्रॉब्लम इज देयर विद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप समझिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूं सिर्फ ह्यूमन कैपिटल इज अ क्वालिटेटिव टर्म जैसे आप मनी की कैपिटल को नाप सकते हो कि कितने रुपए लगाए लेकिन आप ह्यूमन कैपिटल को नहीं नाप सकते कि ये इंसान के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है इसकी इतनी रुपए की स्किल्स है या इतने रुपए की या इतनी क्वांटिटी की इसमें एबिलिटीज है नहीं कर सकते हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था एलेवंथ स्टैंडर्ड्स में कि भाई हमारे दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं एक होते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस अकाउंटिंग कर सकते हैं उसी का हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो जैसे ब्यूटी जैसे ऑनेस्टी इन सब चीजों को अगर आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो इनके एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है दैट इज वॉट आई एम कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है ना वो भी ऐसा ही है क्वालिटेटिव है इनफैक्ट क्वालिटेटिव फैक्टर्स को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर एक इमेजिनरी स्केल ले लें या ऐसा कुछ कर लें जैसे हम जो ऐप्स होती हैं उस पर हम रेटिंग देखते हैं कि इस ऐप का कितना रेटिंग है तो वो रेटिंग क्या है वो एक क्वालिटेटिव तरीका है जिसको हमने न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया मैं तो बोलता हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में वो भी नहीं कर सकते तो क्वालिटेटिव है मतलब नंबर की फॉर्म में था ही नहीं इनफैक्ट नंबर में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते इसीलिए इसको मेजर करना इसके ऊपर एनालिसिस करना वो मुश्किल हो जाता है देखिए जरा इन केस ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन द चेंज कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कि मेरी दो मशीन बढ़ गई या मेरा एक लाख का इन्वेस्टमेंट और एक्स्ट्रा हो गया लेकिन एक साल भर में मैंने जो भी सीखा है उसको मैं कैसे मेजर करूंगा बट इट इज डिफिकल्ट टू इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर नॉन क्वान्टिफाइबल मैंने कितनी एजुकेशन करी है मेरी हेल्थ कैसी है मेरी हाइट कैसी है मेरी ट्रेनिंग कैसी है मेरे को कितनी इन्फॉर्मेशन है मैं कहाँ से माइग्रेट करके कहाँ जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आपकी कितनी ह्यूमन कैपिटल है या कितनी ह्यूमन वर्थ है और ह्यूमन कैपि वर्थ को आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते फर्दर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ सूटेबल स्केल इसका कोई इमेजनेर स्केल भी नहीं बना सकते कि स्टार रेटिंग कर लें ऐसा कुछ क्योंकि इट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइजेबल इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते वर्ल्ड में कि हम दस के स्केल पे नापेंगे कि इंसान का कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऐसा पूरे वर्ल्ड में तो है नहीं तो उसमें क्या क्या वेरिएबल्स पे नापेंगे कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से दे इज नो सूटेबल स्केल टू मेजर इट एंड दैट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जज कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा है कि नहीं है ओके okay? सो so ये हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम आती है इंडिया में अब इसके बाद का जो भी पोर्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशन हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज़ एजुकेशन उसका क्या सिनेरियो हो इंडिया में अब तक तो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन जनरल की बात कर रहे थे अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सिर्फ एजुकेशन नहीं था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ केयर भी आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में और बाकी चीज़ें भी आती हैं लेकिन हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ ऐसे डिजाइजिव फैक्टर पे जिसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज एजुकेशन राइट सो हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू